अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेडिकल वर्ल्ड। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अपना मेडिकल इंट्रेंस टेस्ट जो कि ETEA कहलाता है, उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया। रजिस्ट्रेशन पोर्टल अभी अभी ओपन हुआ है। उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो आप 7 सितंबर तक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लास्ट डेट का वेट ना करें और उससे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन को कंफर्म कर दें ताकि आपके टेस्ट में कोई मुश्किल पेश ना आए। दूसरा जो आजकल चल रहा है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि एहतजाज करना है कि यानी कि MDCAT और ETEA में जो 1 मंथ का डिस्टेंस है उसकी वजह से उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उसके अलावा वो एहतजाज करेंगे। मैं कहूँगा कि एहतजाज ज़रूर करें, आप अपना हक़ के लिए बोल सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर लें ताकि आपके एडमिशन्स पे अफेक्ट ना आए। और खुदा ना खास्ता अगर आपका एहतजाज का कोई असर ना हो और आप यहाँ पर अप्लाई भी ना करें, अपने ईगो में रह जाएँ, तो आपका एडमिशन रह जाएगा। इसलिए अप्लाई करने से पहले कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है ताकि आप गलतियों से बच सकें और आपकी गलती आपके एडमिशन्स पर और एंट्री टेस्ट पर अफेक्ट ना करें। अप्लाई करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप तमाम गलतियों से बचे रहें। उसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इसके साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। मैं अपने इस चैनल पे ETEA के हवाले से तमाम मजीद फर्दर प्रोसीजर जो आएंगे उसकी तमाम वीडियोस दूंगा। उसके अलावा MDCAT के हवाले से भी तमाम वीडियोस इस पर अपलोड होगी। तो चलते हैं कि अप्लाई कैसे करना है टेस्ट के लिए। आपने ETEA की वेबसाइट पर जाना है। उसके अलावा एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगा, आप डायरेक्ट उस लिंक पर जाएँ। वो लिंक है KMU Admissions.PK, इस लिंक पर आपको जाना है। लिंक पर जब आप जाएँगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। अप्लाई करने से पहले आपको कुछ चीज़ें रिक्वायर, उसके बगैर आप पोर्टल भी क्रिएट नहीं कर सकेंगे। तो वो कौन सी चीज़ें हैं उनको अपने पास रखें अप्लाई करने से पहले। एक तो आपको स्क्रैच कार्ड चाहिए जो कि MCB बैंक से मिलेगा, 3000 रुपये का है वो। आपको MCB की कौन कौन सी ब्रांचेस से वो मिलेगा ये ब्रांचेस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। MCB ब्रांच यूनिवर्सिटी टाउन ब्रांच पेशावर, MCB GT रोड, MCU नौशहरा कैंट, मतलब ये सब ब्रांचेज जो आपको नज़र आ रही हैं यहाँ से आप ले सकते हैं। जो भी आपके करीबी होगी वहाँ से आप स्क्रैच कार्ड लें और उसे स्क्रैच करके आपको वो एक कोड नज़र आएगा, रजिस्ट्रेशन कोड जिसे कहते हैं। तो उसके अलावा आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। आपने ईमेल आईडी जो क्रिएट अकाउंट करते हुए वो यूज़ करनी है जो आप डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं, आपके मोबाइल में या आपके कहीं भी एक्टिव डिवाइस में। सेल नंबर भी वो यूज़ करना है जो आपका एक्टिव है, डेली यूज़ में है, यानी कि उस पर तमाम आपको SMS और डिटेल्स रिसीव होंगी टेस्ट के हवाले से या फर्दर नेक्स्ट प्रोसीजर जो भी होगा। उसके अलावा आपका CNIC होना चाहिए या बेफॉर्म होना चाहिए। पेरेंट का CNIC होना लाजमी चाहिए जो आपके। उसके अलावा साइंस SSC डॉक्यूमेंट यानी कि मैट्रिक के डॉक्यूमेंट की DMC होना चाहिए, FSC के डॉक्यूमेंट की DMC, और उसके अलावा पासपोर्ट स्कैन फ़ोटो होनी चाहिए जिसका बैकग्राउंड ब्लू या वाइट हो। जी अच्छा कि ये एक पिक्चर आपके सामने है। तो अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है? अप्लाई करना आपने सबसे पहले आप क्रिएट अकाउंट पे जाना है। क्रिएट अकाउंट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स पुट करनी है, यानी कि यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस पुट करना है, वैलिड ईमेल लिख के एक दफ़ा रिलैक्स होकर डाटा फिल करना है ताकि आप कोई गलती ना कर बैठे, यह ईमेल आपके फ्यूचर में काम आएगा। यहाँ पे आपको यूज़र नेम देना है, यूज़र नेम वो दें जो आप कबूल है ना, पासवर्ड भी वो रखें जो आपके किसी सोशल अकाउंट का वो आप कबूलता ना हो। थर्ड आपको यहाँ पे, मैं इसलिए डाटा फिल नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास रजिस्ट्रेशन कोड नहीं है और मैंने अप्लाई नहीं करना है, इसलिए मैं जस्ट आपको डिटेल्स दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कोड लिखना है। बहुत से बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि रजिस्ट्रेशन कोड कौन सा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अप्लाई करने से पहले आपको स्क्रैच कार्ड लाजमी लेना है क्योंकि रजिस्ट्रेशन कोड स्क्रैच कार्ड के ऊपर लिखा है। इसके अलावा बाद में आपको अपना एरिया सेलेक्ट करना है कि रीजन कौन सा है आपका। उसके बाद अपने सेलुलर डाटा की कंपनी यानी कि जायज वारिस जो भी है वो सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर अपना नंबर लिखना है, नंबर बिल्कुल दुरुस्त लिखेगा। उसके बाद कैप्चा का ये आंसर जो भी होगा आपने देना है। ये सब डिटेल फिल करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, आपको कन्फर्मेशन मैसेज भी आ जाएगा। ये अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने जाना है लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज पे आपने अपने ईमेल और पासवर्ड के या यूज़र नेम पासवर्ड के साथ लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको नेक्स्ट ये करना है कि जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपको पर्सनल डिटेल्स का प्रोफाइल आएगी, वहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, बिल्कुल करेक्ट लिखना है जो कि आपके सनद्स पे है वही लिखना है। फिर आपको पासवर्ड साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी है और जो जो डिटेल्स
मांगी होगी वो आपने देनी है। उसके अलावा आपने नेक्स्ट करना है, सेवन कंटिन्यू करके आपने एकेडमिक डिटेल्स के पोर्शन में चले जाना है। एकेडमिक डिटेल्स के पोर्शन में जाने पे आपने एकेडमिक जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी वो फिल करनी है। अगर आपको किसी किस्म का मुश्किल आए तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको प्रीव्यू बटन आएगा, प्रीव्यू बटन में आपने तमाम जो डाटा दिया है वो क्रैक किया है कि नहीं उसको क्रॉस चेक करना है कि कोई गलती तो नहीं, अगर है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप सेव एंड जनरेट करेंगे, उसके बाद एडिट नहीं होगा। सेव एंड जनरेट करके रोल नंबर स्लिप आपकी बन जाएगी और आपने रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर लेनी है। इसके अलावा अगर आप लोगों को मैं बता दूं कि टेस्ट वाइज जो सिटीज़ हैं वो ये हैं, फर्दर टेस्ट का सिलेबस आपको चाहिए तो टेस्ट का सिलेबस आपने यहाँ से डाउनलोड करना है, डाउनलोड कर लेना है टेस्ट का सिलेबस, ये सारा सिलेबस मौजूद है। यूटी का सारा सिलेबस जो 2020 है वो ये मौजूद है। उसके अलावा अगर आप लोगों को किसी किस्म की मुश्किल पेश आए तो आपने मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।